सेना की ओर से आतंकियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके बाद से ये आतंकी बौखला गए हैं। आतंकियों ने इसी बौखलाहट में अवंतीपुरा के हरिपरिगाम इलाके में पूर्व एसपीओ फैयाज अहमद, उनके पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे एसपीओ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हमले में उनकी बेटी और पत्नी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आतंकियों के इस हमले में एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। जिस घर में पहले खुशियों की किलकारी थी, आज वहां मातम पसरा हुआ है। लेकिन मातम की ये तस्वीरें सिर्फ अवंतीपुरा की ही नहीं, दरअसल इससे पहले श्रीनगर के बरबर शाह इलाके में 26 जून को सुरक्षा बलों पर किए गए ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई थी और 3 लोग घायल हो गए। हालांकि हमले के बाद आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन आतंकियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। यहाँ आपके लिए जानना भी जरूरी है कि एसपीओ के परिवार पर यह हमला कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले आतंकियों ने श्रीनगर में सीआईडी इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को उनके घर के पास 3 गोलियां मारी थी। हमले के वक्त परवेज नमाज अदा करके अपने घर लौट रहे थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में पहली बैठक की। इस बैठक के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ। वहीं उसके बाद एसपीओ और उनके परिवार की हत्या कर दी गई, जो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि कश्मीर में एक्टिव आतंकी पीएम की बैठक से बौखला गए हैं।